हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविलियन स्टडी में। दोस्तों एक बिग अपडेट आ रहा है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर JKSSB की तरफ से कि जो एग्ज़ाम हुआ था 27 से लेके 2 नवंबर तक SSB JEE वगैरह का था, जल शक्ति कंबाइंड में, तो इस सब का जो है आंसर की का एक नोटिफिकेशन आया कि 3 तारीख से आंसर की अवेलेबल रहेगा। देखो बोर्रा के आंसर की जो है जो एग्ज़ाम हुए थे इनको अवेलेबल आ गया है और ये 3 तारीख से 4 दिन रहेगा, 7 नवंबर 2021 तक अवेलेबल, जिसमें आप देख पाएंगे। आपने कोई भी अगर आपकी ऑब्जेक्शन हो कि कोई आंसर क्वेश्चन आंसर की कोई भी, तो वो अपलोड कर पाएंगे उसी डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ में, ठीक है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है कि कैंडिडेट जो है वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा रोल नंबर के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ, और डेट ऑफ एग्ज़ाम सेलेक्ट करेगा, बैच का टाइमिंग जिस टाइम उसका एग्ज़ाम हो रहा था वो भी, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट क्वेश्चन आंसर की उसका देख पाएगा, और वो देख पाएगा कि उसका क्वेश्चन करेक्ट अल्टरनेटिव को हाईलाइट किया होगा जो भी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसी क्वेश्चन नंबर में कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी, ऑब्जेक्शन अगर रेज करनी होगी तो उसको मार्क कर सकता है। उसके साथ में जो उसके साथ में ऐड बटन वहाँ पे रेडी होगा, ऐड बटन होगा ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है। और जो ऑब्जेक्शन एंटर की जाएगी वो सिर्फ इंग्लिश में की जाएगी, ठीक है। तो इस जो आंसर की है उसको आप चेक कर सकते हैं जो कि JKSSB वालों की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.jkssb.nic.in पे। अभी वेबसाइट पे वैसे एक्टिवेट नहीं हुआ, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा मान लो कल, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। एक अपडेट आया था JKSSB की तरफ से तो आप वो अपडेट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।